पहले हम अभिषेक भैया से बात सुनेंगे। अभिषेक भैया स्कूल टीचर के पद पर कार्यरत है अपराइज एकेडमी, साथ में भैया खेती भी कर रहे हैं। भैया ने फर्स्ट वर्कशॉप जुलाई 2017 में किया था और तब से भैया यूएचपी के साथ में जुड़े हुए हैं। तो मैं भैया को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपनी बातें रखें। ओवर टू यू अभिषेक भैया। जी नमस्ते भैया, नमस्ते। नमस्ते सभी को। जी भैया, मैं अभिषेक मिश्रा बस्ती उत्तर प्रदेश से हूँ और घर में मम्मी पापा और दो छोटी बहनें और चाचा जी साथ में रहते हैं। जी ये एक छोटा सा परिचय है मेरा। और भैया मैं इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद मेरा इंजीनियरिंग 2017 में कंप्लीट किया NIT अगरतला से। तो फिर क्या करना है उसको ढूंढते ढूंढते अच्छी किस्मत रही, ऐसा कह सकते हैं कि उसको ढूंढते ढूंढते कानपुर संस्थान पहुंचना हुआ। तो मन तो ये बनाए थे कि नेचर के साथ पूरी तरीके से खेती करेंगे उस और फिर उसको शेयर भी करेंगे, तो ऐसा लक्ष्य लेकर मैं अपने जीवन का चला था। तो वहाँ से फिर अपने आप पर ध्यान गया और जो भी पॉइंट्स आपने दिया है तो उस पॉइंट्स को भी मैं रखने का प्रयास करता हूँ। जी ह्यूमन बीइंग्स के बारे में अभी मेरी क्या समझ बनी है। मानव को मैं भैया देखता हूँ तो अभी जैसा हमेशा वर्कशॉप में बताया जाता है, तो उस पर कम से कम ये तो बात स्पष्ट होती जा रही है कि सुख स्वभाव है या प्रभाव, ये बात कम से कम कार्य करते समय और व्यवहार करते समय अपने आप में विचारों में ही कह लूँ कि स्पष्ट हो रहा है कि सुख तो स्वभाव है ये, और इसकी निरंतरता मुझ में होगी और जितना तब होगी जब जितना मैं अपने आप में देखता रहूंगा और उसका परस्परता में, तभी मैं उसको व्यक्त भी कर पाऊंगा। तो ये है और इसमें ज़्यादातर फोकस मेरा बाहर के साथ रहा अब तक, कि कार्य मेरा ठीक रहे और व्यवहार ठीक रहे, तो उसी के लिए किताबों को पढ़ना, बाकी विचार में कैसे ठीक ठीक चीज़ें चलें, तो इसी के आसपास घूमता हुआ मैं अपने आप को पाता था हमेशा। लेकिन अभी जो बात मैं को अभी देख रहा हूँ तो ये तो लग रहा है कि मेरी कल्पनाशीलता में जो कंटेंट चल रहा है वही मेरी पूंजी है और बाकी तो सब उसमें परिवर्तनशील हो ही रहा है। और यहाँ भी देखने जाऊँ कि कल्पनाशीलता में भी जो चल रहा है वो भी बदल ही रहा है जब तक मैं समझा नहीं हूँ। स्थिति परिस्थिति जैसी आती है वैसा मैं कार्य और व्यवहार कर रहा हूँ। जैसे खेती को मैंने निर्णय ले लिया, अगर खेती बहुत अच्छे तरीके से होती तो हो सकता था कि मैं कुछ और निर्णय लेता। तो ऐसा है, एक बात इसमें ध्यान में आती है, ये बात तो अभी इस पर ध्यान जा रहा है। और ये भी बात दिखने में दिख रही है कि मानव के बारे में अभी ऐसी समझ बनी है, और आगे बात बोलते हैं प्रकृति के बारे में। तो प्रकृति ये बड़ा लुभावना मेरे लिए हमेशा से रहा है, क्योंकि शुरुआत भी किए थे या फिर बचपन से ही बोल सकते हैं ऐसे जगह पर हुआ कि पूरा उल्टा सीधा ही देखते थे, उल्टा पुल्टा, कि बहुत सारी अव्यवस्था फैली है तो उसको ठीक करना है मुझे, और उसी को ठीक करने के लिए अपना जीवन का जो समय बचा था तो उसमें लगाने का प्रयास किए थे। लेकिन जब इस कंटेंट से जुड़ना हुआ तब से, लेकिन इस मॉर्निंग सेशन में 7th वाले में तो काफ़ी इस पर ध्यान गया कि ये व्यवस्था तो बनी हुई है, सिर्फ उसको मुझे जानना है और समझना है, उस व्यवस्था के हिसाब से मुझे कार्य करना है। और व्यवहार में भी जो चीज़ें स्थापित हैं, जैसे भावों को भी बोला जाता है, जो हमें सहज रूप से स्वीकार होता है उसी के हिसाब से मुझे चलना है, ऐसा प्रस्ताव पूर्वक आया, तो उस पर भी काफ़ी जांच पड़ताल हुआ। तो ऐसा भी तो कम से कम विचारों में तो काफ़ी अस्पष्टता होती दिख रही है कि इसके बिना तो अन्यथा अगर लेकर चलेंगे तो अपने आप में भी परेशानी रहेगी हमेशा और दुख का भी सामना हमेशा करना ही पड़ेगा। तो अगर मैं प्रकृति की बात देखूं तो इसमें चारों ऑर्डर देखने को मिल रहा है प्रकृति में, और इसमें चारों ऑर्डर आपस में सब लोग ठीक ठाक अवस्था में व्यवस्था पूर्वक भागीदारी वो कर ही रहे हैं एक व्यवस्था से। अब
एक जड़ परमाणु दूसरे जड़ परमाणु के साथ बहुत अच्छे तरीके से कर ही रहा है। अनंत उसको देखने जाए तो अपने एक छोटे से टिशू में ही ना जाने कितने हैं, या फिर एक अपने उंगलियों में ही कितने हैं, और ये पूरे एग्जिस्टेंस की बात हो रही है तो ना जाने उसमें कितने हैं। और आदमी को तो गिना जा सकता है, ये तो काफ़ी कम है जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जीव हैं। फिर ऐसे दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा जड़ परमाणु, फिर प्राणावस्था, फिर जीवावस्था, फिर ज्ञानावस्था है। लेकिन जो पूरा उल्टा पुलटा हुआ है, जो भी गड़बड़ी दिख भी रही है, जो रूप के स्वभाव में दिखती है, या फिर तर्कपूर्वक दिखा बैठाते हैं कि ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, तो वो पूरा बात अभी दिख रही है कि पूरी गड़बड़ी सिर्फ और सिर्फ हमारे ही कारण है, यानी कि मानव के कारण है, और उसमें भी उसके सेल्फ में गड़बड़ी है, और कहीं पर गड़बड़ दिख नहीं रहा है क्योंकि उसका प्रकटन हो रहा है कि सेल्फ में ही गड़बड़ी होने के कारण और जगहों पर उस अस्तित्व में वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो ऐसा लगा कि कम से कम इतना कंक्लूजन पे पहुंच गए कि इस जगह पे ज़्यादा कार्य करने की ज़्यादा श्रम करने की आवश्यकता है, और बाकी तो चीज़ें हो ही जाएंगी। तो क्योंकि चीज़ें ना जाने अनंत काल से ऐसी होती हुई आ ही रही हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने को समझना है, और जो समझ में आया उसका व्यवहार और कार्य में तो रिफ्लेक्शन होगा ही। तो ऐसी भैया अस्पष्टता भी प्रकृति पर बन रही है, उसको भी इसमें जांच पड़ताल कर ही रहा हूँ। और कुछ इस पर उदाहरण भी हैं खेती से संबंधित, लेकिन समय रहेगा तो उस पर रखेंगे। अभी अस्तित्व को मैं कैसा देखता हूँ, ये भी अस्तित्व, पहले तो ये बात है कि जो बात बोली जा रही है उसको विचार में ही उठाना बहुत कठिन लगता था, ऐसा कह सकते हैं कि काफ़ी श्रम लगता था कि विचार में भी स्पष्ट ही नहीं हो रहा है कि बेसिकली बात क्या बोली जा रही है। ऐसा जो अभी स्पष्ट हुआ है विचार में ही, तो कि ऐसी एक वास्तविकता है जो अनादिकाल से थी और अनादिकाल तक रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, उसकी क्रिया में कोई परिवर्तन, एक जैसा बना हुआ है। तो ये जब एकाएक विचार में ही जब ये अस्पष्टता थोड़ी थोड़ी बनी, तो वो पल काफ़ी शानदार रहा कि ऐसा भी क्या हो सकता है क्या। तो लगा सही बात है कि कुछ ऐसा तो होगा जरूर, तो ऐसा कह सकते हैं कि कुछ को चित्रण भी करते हैं तो काफ़ी आराम की स्थिति रहती है, ऐसा कह सकते हैं जी। तो अस्तित्व को लेकर ऐसा बन रहा है। और मानवीय आचरण है, इसमें मैं बोलूं कि मानवीय आचरण में कि अभी तक हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ, मेरा ध्यान मैं कह सकता हूं कि कार्य और व्यवहार पे ही था ज़्यादातर फोकस, कि बाहर किया जाए बस उसको ही ठीक ठाक करने का, क्योंकि कार्य व्यवहार में ही, और ये अस्तित्व ही बहुत बड़ा विशाल है, तो इसमें कितने तरीके से अपने आप को ठीक करें हर एक स्थिति परिस्थिति में बड़ा कठिन है, कि इस स्थिति परिस्थिति में ऐसा करना है, यहाँ पर कोई आदमी ऐसा कर रहा है तो इस तरीके से करना है, व्यवहार कार्य भी इस जगह पर ऐसा होगा, मैं इधर जाऊंगा तो ऐसा बीज उगेगा, ऐसा वैसा, तो बाकी पूरा इतना श्रम था, इतना काम था इसमें कि लगता था कि पूरा ही नहीं होगा। तो लेकिन मानवीय आचरण में जो बात बात इस बार ध्यान में आया भैया कि उसमें तो रिफ्लेक्शन होगा, जो चीज़ें अपने आप में बैठी हुई हैं उस पर, या फिर जो स्थिति के रूप में आचरण में, तो उसको समझना है और फिर परस्परता में कार्य और व्यवहार उसको करना है। ये चीज़ों पर, ये इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान गया है, ऐसा कह सकता हूँ कि कम से कम विचार में वैचारिक स्पष्टता तो बन रही है, और जांच पड़ताल भी उस पर हुई है, काफ़ी जगहों पर जांच पड़ताल किया भी हूँ, और जहाँ पर ऐसा कह सकता हूँ जहाँ पर रेगुलर अपना भागीदारी है और कार्य है, तो उस जगह पर तो कम से कम इतनी जाँच पड़ताल तो हो ही गई है कि कब कब मैं परेशान होता हूँ। तो अगर इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में रखूं तो यह है कि कल्पनाशीलता में क्या चल रहा है, वो कंटेंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अभी मानो मेरे मानो के आचरण में, और वहाँ पर भी उसके अंदर क्या स्थिति के रूप में मैं बैठा कर रखा हूँ, तो उसी के हिसाब से बाहर रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो वहाँ पर कुछ छिटपुट जो इस बहुत दिखाई देने वाले संस्कार हैं, जो बाहर भी लोग देख सकते हैं कि आप
ने ऐसा किया, तो कम से कम उस पर तो जांच पड़ताल शुरू हो गया है, कुछ एक से रिजॉल्व भी हो गया हूँ, लेकिन अभी इसमें काफ़ी काम करने की ज़रूरत है ऐसा अभी दिख रहा है। और हाँ, एक बात इसमें और भी ध्यान दिया कि मैं जब अकेले ही सोचता था ऐसा कि अकेले पूरा ऐसे 2 घंटे 3 घंटे बैठकर या फिर अपनी आपके शरीर की क्षमता को बैठाकर विकसित करके कि एकाएक देखना हो जाएगा कि सारी चीज़ों को देख लिया जाएगा क्या है, तो उसमें तो सिर्फ और सिर्फ देखा मैंने कि विचार विचार में ही काम हो रहा है, लेकिन जैसे ही भागीदारी और कार्य करने जाते हैं तो पूरा उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये भी जो भैया हमेशा आज ध्यान दिलाए कि आप जब तक भागीदारी नहीं करेंगे तो जांच पड़ताल पूरी होगी नहीं, तो भागीदारी मेरा सीमित है। पहले तो मैं कह सकता हूँ कि अपने तक ही भागीदारी था, लेकिन इन 4 महीनों में घर के हर काम में भागीदारी बढ़ा है काफ़ी, और कुछ घर के कामों में भी जिम्मेदारी ले लिया हूँ, और ऐसे ही USB के छोटी सी भागीदारी है तो वहाँ पर भी कर रहा हूँ। थोड़ा और अपनी स्पष्टता धीरे धीरे जैसी बढ़ती जाएगी वैसा भी आगे समय धीरे धीरे आगे मैं बढ़ूँगा ऐसा। तो एक्सरसाइज एक में अभी मैं रखूँ क्या मैंने समझा है, तो इसमें जो बात बोली जा रही है कि स्वयं के द्वारा स्वयं को ही देखना है, बाहर कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अपने को अपने के द्वारा देखना है। ये तो स्टेप 1 2 3 तो बहुत आराम से देख पाता हूँ, और इसमें देखने की क्षमता बढ़ी है ऐसा कह सकता हूँ कि पर्टिकुलर एक समय पर सूक्ष्मता बढ़ी है, जैसे खाते समय भी उसको बढ़िया से ऑब्जर्व कर पाते हैं क्या चल रहा है, तो और काम करते हुए समय भी। तो पहले ऐसा था कि एकांत में बैठकर ना कोई बाहर से इनपुट ना लिया जाए या फिर इनपुट शरीर को संकेत भी ना दिया जाए तो तब देख पाते थे, लेकिन अभी तो खाते और चलते समय बात करते भी समय बहुत अच्छे तरीके से नहीं लेकिन ऑब्जर्व तो कर पाते हैं। हाँ, ये तो बात है कि सोते समय तो एकदम से नहीं हो पाता है ऐसा है, तो ये बात है। यह और जो निर्णय की लेने की बात है, तो निर्णय तो लगता है कि मैंने ही लिया है क्योंकि, लेकिन ये नहीं लगता कि ये निर्णय जो है मैंने लिया है जो, लेकिन ये मेरे अंदर बैठा हुआ है। जैसे एक प्रोग्रामिंग की जाती है तो उसको उसके बाद रन कर जाता है, तो ऐसा लगा है कि कुछ बैठ गया है, उसी के हिसाब से मैं निर्णय ले ही रहा हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें जो दिख रही हैं स्थूल हैं तो उसको तो देख भी लेते हैं कि भैया इसी पर निर्णय हुआ है, कुछ एक को तो मूल्यांकित भी यहाँ पर करना हुआ है कि ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत दबाव देकर नहीं, सहजतापूर्वक जो अपने में हो जा रहा है और उससे ज़्यादा अपने आप में परेशानी भी ना हो ऐसा भी चल रहा है। और हाँ, कि ये दिखा है कि ये तो बात सही है कि अपने में गड़बड़ी है कि मैंने जो मान रखा है उसी हिसाब से मैं निर्णय ले रहा हूँ, तो बाहर से मैं बोल सकूँ कि बाहर से तो सिर्फ ट्रिगर हो रहा है, चीज़ें मुझे उकसा रही हैं कि मतलब आपने इस वास्तविकता को कैसा देखा है उस हिसाब से मैंने निर्णय ले लिया। तो इसे लगता है कि बाहर के जब मैं कार्य और व्यवहार भी कर रहा हूँ तो इसका बड़ा योगदान है कि बहुत अच्छा कि इस स्थिति में मैंने वास्तविकता को उल्टा पुल्टा सीधा मैंने मान बैठा था। तो अभी इस पर काफ़ी अच्छा लगता है कि बाहर भी जब कार्य करने जाते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर कार्य करेंगे तो काफ़ी स्पष्टता धीरे धीरे बनेगी जी। और जो आधार है उसको बड़ा उल्टा सीधा मान रखा है कि बड़ा उल्टा सीधा दिखता है, जो आधार है किस आधार पर मैंने निर्णय लिया ये बात बोली जा रही है, बड़ा उल्टा सीधा है इसमें तो, लेकिन फिर भी कुछ एक को तो मैं देख ही पाता हूँ क्या आधार है, लेकिन कुछ एक को अभी उस पर काम करने की ज़रूरत है, और अभी कोई ऐसी जल्दबाजी भी नहीं है कि देख भी लिया जाए आराम आराम से ऐसा भी है, क्योंकि पीछे तो बड़ा जल्दबाजी रहता था कि आखिर भी दिखना ये है आया ही क्यों, लेकिन अभी कि जो दिख भी रहा है वहाँ पर मैंने कैसे इसको क्या ठीक कर लिया है क्या, तो उत्तर आता है उसको भी अभी नहीं ठीक किया, मान लो जो दिखा भी तो वहाँ पर क्या सही है क्या करना है ऐसा है। और जो अगली बात इसमें बोली जा रही है, हाँ, संबंध व्यवस्था और सहित यही है, लेकिन इसको बोल सकते हैं कि विचारों विचारों में फिट बैठा है बैठा रखा है, और उसके आगे भी तो है कि हाँ सही कि शुक्र स्रोत इसी से हो सकता है, और अन्यथा तो बहुत सारी चीज़ें बहुत जगहों पर हाथ पैर मार लिए तो उसमें तो
निश्चितता नहीं है, तो ऐसा एक्सरसाइज एक में भी स्पष्ट हुआ है भैया। और एक्सरसाइज दो में देखूं तो इस पे भी अभ्यास काफ़ी अपने में लगता है कि ठीक गति कर रहे हैं। तो वास्तविकताएं अलग अलग हैं, जड़ और शरीर इसको देखूं तो चित्रण के स्तर पर तो हो पाता है, लेकिन पर्टिकुलर लगता है कि वास्तविकता अलग अलग है इसको देख लिए। लेकिन जब कार्य और व्यवहार करते हैं तो एकाएक सडनली कोई अचानक ऐसा आ जाता है कि जैसे गाय को से दूध निकालते समय उसने आँख पर पूंछ मार दिया, तो लगता है कि फिर लगता है उस समय के लिए तो लगता है कि मैं ही शरीर हूँ, ऐसा क्यों होगा। ठीक, तो ऐसा भी इसमें हो रहा है। और निर्णय ये देख पा रहा हूँ कि मैं ही काफ़ी लेता हूँ, लेकिन बाहर कुछ हो रहा है उससे मेरे तक प्रभाव पड़ ही रहा है। तो यहाँ पर और निर्णय का ध्यान कि मैं ही लेता हूँ, लेकिन ऐसी बोल सकता हूँ कि ऐसा मैं प्रोग्राम हो गया हूँ कि अनायास ही बाहर ध्यान अपना जाता है। कह सकता हूँ कि उसको बहुत ज़रूरी मान रखा है तो उधर ध्यान जाता ही है, लेकिन है ये कि अगर उस पर मैं देखने जाता हूँ कि भूख की संवेदना कभी ज़्यादा लगी है, लेकिन मैंने कुछ निर्णय ले लिया कि अभी ये काम करना है। और हाँ, ये निर्णय नहीं कि अपने स्तर तक, थोड़ी व्यवस्था में भागीदारी करने का कि थोड़ा और व्यवस्था करने का करने का, जैसे घर में कुछ काम बटाना है, वहाँ से चार पांच लोग की जिम्मेदारी मैंने ले लिया, तो वहाँ पर ये फिर विचार ही नहीं आता कि भूख की संवेदना आ रही है। तो एक बात तो इसमें बार बार भैया याद दिलाते हैं कि भागीदारी बहुत ज़रूरी है, तो इस पर ध्यान तो गया भैया कि अगर अपने अपने में अपने अलग थलग मिलके काम करेंगे तो वही जो आ रही है उसी को ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे, तो और बाकी चीज़ें काफ़ी कुछ चीज़ें छूट जाएंगी ऑब्जर्वेशन में। तो ये तो बात स्पष्ट है कि जैसा भागीदारी में बाहर करता हूँ उसी हिसाब से काफ़ी ध्यान जाता है अपने पर, ये है। और जो दूरी की बात बोली जा रही है, हाँ लगता है कि ऐसा कह सकते हैं, लगता ही है कि कुछ तो दूरी है, क्योंकि जब संवेदना आ रही है तो उसका निर्णय मैं ही ले रहा हूँ, तर्कपूर्वक ऐसा निष्कर्ष निकाल सकता हूँ, लेकिन इसमें भी काफ़ी गड़बड़ी होती है। उदाहरण वही गाय को दूहते समय दूध निकालते समय पूंछ का मारना, तो ये और अर्थ है, अर्थ मैं देता हूँ तो इसको जैसे मैंने मान रखा है वैसे ही अर्थ देता हूँ काफ़ी, तो उसको लेकिन ऑब्जर्व भी करते हैं अर्थ देने वाले पर अभी काफ़ी काम करने की ज़रूरत है कि अर्थ मैं इसको कैसा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर काफ़ी कुछ, काफ़ी तो नहीं कह सकता, लेकिन कुछ को तो मैं देख पाया जहाँ पर लगातार कार्य और व्यवहार हो रहा है वहाँ पर तो मैं देख पाया कि भैया इसको मैं अर्थ ऐसा ही दे रहा हूँ, लेकिन कुछ नया आ जाता है तो वहाँ पर जैसा प्रोग्रामिंग हो गया है या फिर जैसा मेरे अंदर संस्कार पूर्वक बैठ गया है तो उसी के हिसाब से मैं ट्रिगर हो रहा हूँ। तो ये बात है। और जो बोले हैं कि बात अगली बोली जा रही है कि मैं हूँ और एक जड़ है, तो जैसे संवेदना आती है उसको मैं आराम से पढ़ता हूँ, फिर जैसा मुझे लगता है उचित उस पर मैं करता हूँ, यानी कि दोनों शून्य के सहस्तित्व में हैं। तो ये बात है कि अभी तो यहाँ पर ही विचार में ही बहुत उल्टे सीधे आ जाते हैं, भाव स्पष्ट नहीं हुआ, तो ये तो ही बहुत दूर की बात अभी लगती है, लेकिन है कि कम से कम तो रास्ता तो दिख गया है कि इसी रास्ते पर चलना है, ट्रैक तो दिख गया है। तो पहले तो ट्रैक ही नहीं दिखता था, लेकिन अब तो कुछ ट्रैक दिख गया है कि इसी रास्ते पर चलना है। जी भैया, और अगली जो बात इसमें बोली जा रही है कि कोई जीने में बदलाव आया है, तो ऐसा मैं कह सकता हूँ कि जीने में बदलाव काफ़ी है, तो लेकिन समय की मध्यता के कारण मैं उसको पूरा रख नहीं पाऊँगा, लेकिन यह है कि अपने पर काफ़ी ध्यान बना रहता है। और कम से कम ये तो है कि दूसरा ये स्पष्ट हो गया है व्यवहार करते समय कि दूसरा भी सुखी होना चाहता है, बात बात करते समय तो ऐसा पूरा स्पष्ट रहता है, तो वहाँ पर व्यवहार में भी और अपने में भी रिएक्शन भी उस समय अभी उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम हो गई है और व्यवहार में भी वो झलकता है, लेकिन पूरी तरीके से भी इसको देखना, इस पर काम करना काफ़ी बाकी है। लेकिन घर में स्थिति तो थोड़ी सी बदली है ऐसा मैं कह सकता हूँ मेरे एंड से,
और बाकी ध्यान दिलाने का प्रयास करता हूँ, अपना भी ध्यान जाए, ऐसा ज़्यादातर रहता कि अपना थोड़ा ध्यान चला जाए, बाकी तो देख कर या फिर ध्यान दिला दिया जाए संबंध पूर्वक, तो उस पर ध्यान जाता है। और कमिटमेंट की बात भैया मैं बोलूँ तो कमिटमेंट ही एक तो बहुत अच्छी बात रही कि वीडियो एडिटिंग इसमें मैं कर रहा था इस सेशन में, कुछ एक को किया हूँ, इसमें एक शानदार बात निकल के आई कि एक तो मैंने सुना भैया जो हमने बात प्रस्ताव पूर्वक रखा उसको मैंने एडिट किया जाके, तो एडिट करते समय लगा कि अरे ये तो नई चीज़ आ गई, ये क्या कब बात ये बोल दिए, मैं तो सुन भी रहा था उस समय, फिर यहाँ तक कि कभी हुआ है कि उसको कई बार सुना, क्योंकि आगे पीछे करना है समय देखना है तो उसी चीज़ को कई बार सुना, तो मैं जब कई बार सुना तो भी ध्यान आया अरे ये तो अभी नई नई बात ही लग रही है, तो ऐसा हुआ कि बताओ, और ऐसा भी हुआ कि YouTube पे अपलोड भी हुआ वो, और फिर उसके बाद मैंने उसको डाउनलोड किया अपने मोबाइल में, फिर मैंने सुना क्योंकि मैं दोबारा सुनने का प्रयास कर रहा हूँ, तो लगा ये अरे ये तो मैंने ही किया था, लेकिन इस पर एडिटिंग भी कर दिया, मॉर्निंग सेशन भी किए, तीसरी या चौथी बार सुन रहे हैं लेकिन पूरा भी ध्यान नहीं गया है, तो इसमें लगता है कि जो बात हमेशा ध्यान दिलाते हैं कि अभी तो बहुत स्थूल पर ही अपना ध्यान पूरा नहीं गया है, यानी कि प्रस्ताव को ही ठीक ठीक जैसा बोला जा रहा है वैसा मैं सुना ही नहीं, ये कम से कम भागीदारी करते समय ऐसा मुझे दिखाई पड़ा अपने में, और कितना समय सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर दे सकते हैं जी भैया, तो जैसी अपनी गति होगी वैसा तो दिया जा सकता है, लेकिन ये भी दिखा है कि जो पहले घर के कामों में ही या फिर अपने आप में ही ज़्यादा उलझन थी तो उससे थोड़ा सा आगे बढ़ना हुआ है, तो बाहर के कामों में भी अब समय तो कम से कम दिखने लगा है, उस समय का सही सदुपयोग करना है, और अपने स्तर तक अगर करेंगे तो काफ़ी ध्यान नहीं जाएगा, अगर मौका मिलेगा तो बाहर भी काम करने का तो वहाँ भी किया जाएगा, यह है जी, कम से कम 2 घंटे तो हो ही सकते हैं मतलब अपने ऊपर ध्यान देकर और समाज की भागीदारी में जी भैया, मेरी तरफ से भैया इतना ही है, ठीक है, एक बार दोबारा सबको नमस्ते, सबका धन्यवाद जी भैया, धन्यवाद, बहुत ही सुंदर शेयरिंग, आपने एक्सरसाइज 1 और 2 के भी स्टेप्स भी बताए, धन्यवाद भैया। मैं सर एक ये रखना चाह रहा था, जो अभिषेक भैया अपनी शेयरिंग कर रहे हैं, इनकी शेयरिंग तो बहुत अच्छी है, आज की तारीख में ये फार्मिंग इसमें लगे हुए हैं और UHV का भी कार्य कर रहे हैं, तो जो फार्मिंग में प्रोड्यूस पैदा करते हैं और उसे फिर जाकर सेल करते हैं, असली मेहनत फार्मिंग में होती है, और जो मीडिएटर होता है जहां जाकर उसे सेल कर देते हैं, वो कितने गुना उससे प्रॉफिट लेता है, इन्हें जो पीड़ा होती होगी उस पीड़ा को ये कैसे अपना आप से कंसोल करते हैं, अपना आप को नेचुरली, जो कि वह स्वाभाविक नहीं है उस चीज को स्वीकार करना, तो उससे अपना भाव कैसे ये वो कर पाते हैं, रेस्पॉन्ड कर पाते हैं उसमें, इनका कार्य तो बहुत अच्छा है। और इसके अलावा मैं सोचता हूँ सर, और कोई अच्छा कार्य नहीं है यदि मानव जाति के लिए देखा जाए, सही प्रोडक्ट पैदा करें, उन्हें ही कंज्यूम करें और सभी को उस प्रोडक्ट को अवेलेबल हो जाए, कितनी मेडिसिन, कितना मेडिकल सेक्टर केवल इसी पर काम कर रहा है सर, कितनी बीमारियां हैं, तो इस बारे में मैं उनसे जानना चाह रहा हूँ जी भैया। अभी तो हाँ, अभी भैया ऐसा हुआ है कि पहले तो मैं जब सामान प्रोड्यूस हो जाता था उसको मंडी लेकर जाते थे, लेकिन अभी तो मैं ऐसा जब तक जैसे प्रस्ताव आया है तो ध्यान इसमें गया कि देन देन तो मेरे पास उत्पन्न हो रहा है, तो जिसको आवश्यकता है उसको मैं जहाँ पर लगता है दे देता हूँ, और ये भाव रहता है कि उससे कुछ की ना अपेक्षा किए हुए ऐसा, और जब ऐसा अपना भाव बिगड़ता नहीं है, अभी मैंने देखा भी है तो मेरे पास मैंने 50 ग्राम भिंडी लगाई थी, ज़्यादा नहीं था, तो इसमें काफ़ी उत्पन्न हुआ है वो, तो आसपास के लोगों को काफ़ी दिया भी गया और काफ़ी संतुष्टि भी रही, तो उसी में आनंद है, बाकी तो चीज़ें इतना प्रकृति में व्यवस्था मुझे दिखी कि थोड़ा सा और इसकी व्यवस्था को समझा जाए, अपने एंड से थोड़ा उसमें कुछ मिलाया ना जाए तो बहुत बढ़िया निकल के आ सकता है परिणाम,
कि अपने की आवश्यकता तो काफ़ी पूरी हो जाएगी, और जो मीडिएटर की आपने बात की तो हमने इतना इनपुट लगा दिया, इनपुट कॉस्ट इतना बढ़ा दिया है कि लगता है कि इसकी प्राइस बढ़नी ही चाहिए, लेकिन वो हो जाता है कि व्यवस्था के हिसाब से चलेंगे तो जितना प्राइस भी चल रहा है या फिर संबंध पूर्वक लोगों से मैंने दिया ही तो भी वहाँ से भी ठीक अपनी स्थिति मतलब समृद्धि का भाव वहाँ से भी हो सकता है, क्योंकि मैंने कुछ बुक पढ़े तो जैसे जो अभी एक बुक था कि श्री यशपाल जी ने लिखा था, वो इतिहासकार हैं, तो मैंने उसकी बुक पढ़ा तो पता चला कि अपने यहाँ पे ऐसी व्यवस्था थी, अंग्रेजों ने ही डॉक्यूमेंट किया है कि एक हेक्टेयर में 120 टन मतलब 120 कुंतल सॉरी टन नहीं 12 टन के हिसाब से उत्पादन पैदा हुआ है, तो उन्होंने लिखा है। और मैंने श्री एक नागराज जी का भी वीडियो देखा कि उन्होंने श्रम पूर्वक बैलों से खेती करके 50 कुंतल के आसपास मतलब 1 एकड़ में धान को उन्होंने पैदा किया है 50 कुंतल के आसपास, तो ऐसी व्यवस्था है। और मैं अभी तो 1 एकड़ में बहुत कम है अपना, जो हम सो कॉल्ड हाइब्रिड या फिर बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं उसमें, उसके आसपास भी अभी फटक नहीं रहा है। 1 एकड़ में ज़्यादा से ज़्यादा 30 कुंतल, और उसमें दुनिया भर की इतना दिमाग लगा देते हैं कि अगर इनपुट कॉस्ट और पूरा प्रकृति में क्या उस पर का आउटपुट गया तो पता चले हम माइनस में हैं, यानी कि प्रकृति को ज़्यादा नुकसान भी पहुँचाए और वहाँ तक पहुँचे भी नहीं, तो ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कम से कम वो रास्ता तो दिखा है कि इस व्यवस्था के हिसाब से चला जाए तो समृद्धि का भाव हर एक में निश्चित हो सकता है, ऐसा तो कम से कम अपने में स्पष्ट है। और बाकी तो समय लगेगा इसमें, ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि मैंने इसको दिखा दिया है करके, लेकिन दिखेगा ये जब मैं सर, मेरा, जी सर जी सर, मेरा सर ये मानना है कि माइंडसेट इस समय पूरे फार्मर्स का बिजनेस ने ऐसा बना दिया है कि जब सर फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड नहीं डालोगे, इवन सर आपके इधर तो मुझे आइडिया नहीं, वेस्ट में तो ये है सर, वेस्टर्न यूपी हरियाणा इधर पंजाब में इवन द घास को खरपतवार जिसे कहते हैं उसे उखाड़ने की बजाय उसे समाप्त करने के लिए भी पेस्टिसाइड डाले जा रहे हैं, और वो कितना डेंजरस है सर। हर गांव में पहले कैंसर कोई जानता नहीं था, आज की तारीख में एवरेज 50-60 कैंसर के पेशेंट मिलेंगे आप, उनके घर परिवार जमीन सब बेची जा रही है, सब इस बिजनेस ने ऐसा बर्बाद करते जा रहे हैं। मुझे तो इतनी पीड़ादायक लगता है सर ये, और उनका माइंडसेट जी सर माइंडसेट ऐसा बना दिया है, मैं बना नहीं बना दिया है सर जी। नरेश भैया, इसकी समीक्षा में बहुत समय लग जाएगा, कुछ और हैंड्स रेज्ड हैं उनको सुन लेते हैं, फिर अगली शेयरिंग भी है जी सर। अब से भैया जरा अपना नंबर शेयर कर दें, क्योंकि मैं इस समय वाराणसी में हूँ तो आपसे मुलाकात करूंगा, मैं बस्ती जाता रहता हूँ विजिट पे। चैट बॉक्स में लिख दिया है। ठीक, थैंक यू। नमस्ते भैया। जी धन्यवाद भैया, बहुत अच्छी भैया प्रस्तुति रही, और विषय वस्तु को भैया गहराई में आप ध्यान जो है वो दे रहे हैं, और खास करके श्वंग के विकास के लिए जो भैया आपका प्रयास है ये बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है, और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद आपने जो निर्णय लिया है अपने जीवन को जीने के लिए, जीविका का आधार जो है जो खेती को चुना है, ये भैया निश्चित रूप से एक श्रम के प्रति जो निष्ठा है और प्रकृति के साथ जो आपका जीने का प्रयास है, इसके लिए धन्यवाद भैया। जी भैया, अभिषेक भैया को सबसे पहले और पढ़ते हुए इनके पूरे परिवार के साथ में कई बार मुझे कानपुर में साथ रहने का मौका मिला, तो इनकी माताजी के साथ मैंने शिविर किया, इनकी बहन जो IIT हैं उनके साथ शिविर किया, तो जिस हिसाब से ये खेती को और श्रम को अभी भी बनाए हुए हैं ये पूरे समाज के लिए एक मॉडल है, क्योंकि इनने अपना इतना सारा पढ़ने के बाद भी NIT इनने किया है, और आज भी इनमें जो श्रम और खेती के प्रति जो इनकी रुचि है, इनकी माँ का भी जो तेज है वो मैंने देखा है कि वो आज भी अपने को इन सब बच्चों को तैयार करना, और कितनी निष्ठा के साथ उनने कानपुर में शिविर किया था, तो वो सब मैंने देखा है। इनकी बहन ने मेरे साथ नर्सरी की पॉलीथीन भरी थी,
और नेचर के प्रति बहुत ज्यादा लगाव है। तो ये सब जो मैं देख रहा हूँ यही परिवर्तन है, क्योंकि हमें जो है जैसे जैसे मानव दिखेगा तो एक तो हम मानव संबंध को भेट पाएंगे, तो बाजार वहां से बहुत ज्यादा आता नहीं है, बाजार तो स्वार्थी लोगों ने बनाया है। ठीक है, कुछ आवश्यकताएं रही होंगी, मैं उसे पूरा नहीं नकार रहा हूँ, लेकिन अभी अभिषेक जी ने बहुत बड़ी बात कही कि जो को उत्पादन होता है उस उत्पादन को हम बांटने की ओर ध्यान दे रहे हैं। तो ऐसा चूंकि मैं कर पा रहा हूं तो मैं देख भी पा रहा हूं कि उसका भी अपना मजा है। हमारे यहाँ पहले कुछ बांटने की परंपरा रही और आज हम उस परंपरा पर जब गए तो ऐसा नहीं है कि मैं भी खाली हाथ रह रहा हूं। अगर मैंने कोई वस्तु किसी को दी है तो उसने भी उसको कहीं ना कहीं से वापिस किया है, क्योंकि हर व्यक्ति जो है वो अगर आप भाव जगा देंगे तो फिर वो उधर को जाता है। तो एक तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमें देन देन का जो अर्थशास्त्र है ये बहुत ही गहरी बात है, हमें देन देन की ओर बढ़ना है, है ना, लालच से अपेक्षा से मुक्त होना है। तो वो काम मैं भी कर पाया, इसलिए अभिषेक जी के काम को भी मैं समझ पा रहा हूँ। दूसरा, जो उनने सेल्फ पर भी काम किया है वो भी गहरा है, उनने एक्सरसाइज को भी अच्छी तरह से रेखांकित किया। तो अभिषेक जी को मेरी शुभकामनाएं। सभी संबंधियों को नमस्ते और अभिषेक भैया को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि आप सही दिशा में भैया जो है ना जा रहे हैं। और इसमें मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि और भी अपने आसपास जो है जो खेती है तो उन किसान भाइयों को जो उसमें खेती में लगे हैं तो उनके साथ आपका कैसा संबंध है और उनको भी कैसे आप मोटिवेट कर पा रहे हैं, तो आपसे ये मैं जानना चाह रहा था भैया। या आके पूछना तो होता ही है, तो ज्यादातर ये रहता है, पहले तो रहता था कि जोर जबरदस्ती करके कि प्रकृति को ही ठीक करना है, ऐसा ध्यान रहता था। लेकिन अभी जो वो कर रहे हैं और ऐसा मैं कर भी रहा हूँ तो देख भी पा रहा हूँ कि ये जो मैंने या फिर पिछले 40-50 सालों में गड़बड़ी हुई है तो अभी इसको ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा और उसमें हो सकता है शुरुआत के कुछ समय में मेहनत करना पड़े। लेकिन ऐसा तो मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ लोगों ने चालू कर दिया है अपने एंड से। और ऐसा भी मैं देखूँ कि पहले तो ऐसी चीज़ें होती ही थी, तो उसमें कोई नई बात नहीं है कि जो मैं नया ही कर रहा हूँ। वो तो जानते ही, एक थोड़ा बाहर जब कोई करता है तो अपने आप में भी देखकर हौसला बढ़ता है। तो यह है कि मैं उसको प्रमाणित कर पाऊँ या फिर मैं अपने तक वहाँ से उस जो उत्पादन है उसको ले पाऊँ, तो लोग उसको देखकर करने का प्रयास करते ही हैं। तो भैया इतना ही मैं कहूँगा। एक अभिषेक भैया एक बात और जानना चाह रहा था, हमारे यहाँ संग्रह की बड़ी जो है ना माइंड सेट बना हुआ है, यदि फ्री में कोई चीज मिल रही है जैसे आप देने की है तो वो चाहेंगे कि अभिषेक भाई का तो सारा मैं ही ले आऊं क्योंकि मेरी तो सारा ज्यादा जरूरत है। तो क्या ऐसा भी आपके साथ कोई वाकया हादसा हुआ है क्या भैया? ऐसा तो अभी तक तो नहीं हुआ है, क्योंकि कुल मिला के मुद्दा है कि अपना भाव ना बिगड़े, इस पर ज्यादा ध्यान रहता है। और देने भी पर भी तो वो आदमी जज भी करता रहता है कि वो उसका इंटेंशन क्या है, कि ये इसके पास इफरात तो नहीं है कि इसका उपयोग नहीं कर पा रहा है तो दे रहा है, या फिर संबंध पूर्वक दे रहा है तो वहाँ पर भी होता है। तो ऐसा भी दिखा, पहले तो घर में भी मैं ऐसा कहूँ कि मैं पूरी तरीके से ऐसा कर पा रहा हूँ कि देन देन ही नहीं है, क्योंकि अभी मैं तो मान लो अपने एंड से कर लेता हूँ तो घर में भी मम्मी है बोलने लगती है कि बताओ दुनिया में ऐसा कौन करता है, श्रम करके दे देता है। लेकिन फिर जब बाहर का आदमी मान लीजिए कोई उसके बदले में कोई वस्तु आपको दे देता है जो आपके पास वस्तु रहती नहीं है, तो उनको बड़ा फिर अच्छा लगता है कि चलो ठीक कोई समझा तो जो मैंने दिया। तो ऐसा है कि अभी तो कम से कम उसी स्थिति पर जाएं, उसी बेस में वही रहे कि मेरे पास ये वस्तु नहीं है तो मैं उस वस्तु को दे दिया, उस वस्तु को ले लिया और जो मेरे पास वस्तु है उसको मैंने दे दिया। तो ऐसा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चल रहा है। लेकिन कुल मुद्दा तो यहाँ पर भी लगता है कि यहाँ पर भी आराम की स्थिति में नहीं रह पाएंगे। तो वही मेरे पास है तो मैं दे रहा हूँ, जैसा
परिवार में होता है वैसा मैं थोड़े और बड़े स्तर पे जीने का प्रयास कर रहा हूँ, तो अपने आप में मौज तो उसकी रहती है, थोड़ा अच्छा भी लगता है, बस वही उसी के लिए पूरा प्रयास ही कर रहे हैं कि आराम अपने आप में बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन है आपका। तो पहले भैया मैं जानना चाहूंगा थोड़ा सा संक्षिप्त में, आपका ग्रेजुएशन कौन से साल का है और आपको कितने साल हो गए ये काम करते हुए, प्लीज। या 2017 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और पिछले तभी से मैं कर ही रहा हूँ ये। 17 मतलब 6 साल हो गए, 21 के रहे हो गए और अभी 27 साल के हो जी भैया। 28 साल का हूँ। 28 साल का, बढ़िया। तो भैया आपने जो ये एग्जाम्पल रखे उसमें मुझे ये एग्जाम्पल बहुत पसंद आया कि गैया का दूध निकालते वक्त गैया पूछ मारती तो आपके भाव बदल गए, है ना भैया। तो क्यों ना इसे आप एक्सरसाइज नंबर 1 की स्टेप नंबर 3 में जाके जो भाव को आना और देखना, इसमें अगर आप थोड़ा कन्वर्ट करेंगे तो आप क्या पाएंगे, थोड़ा बता पाएंगे इस पे। मैं थोड़ा सा टेक्निकली जा रहा हूँ, जैसे कुमार भैया बताते हैं स्टेप्स देके कंटेंट लाने के लिए, थोड़ा बताएंगे आपका। बाकी तो बहुत बढ़िया है, मोर की आवाज जो सुन रहे हैं हम तो दिखाई दे रहा है कि आप प्रकृति से बिल्कुल प्रकृति में ही काम कर रहे हैं, लेकिन जरा कंटेंट पे थोड़ा बताएंगे तो मैं भी थोड़ा शेयर करना चाहूंगा या मेरे बच्चों के लिए अच्छा रहेगा, प्लीज। भैया वो अभ्यास 2 में आपने बोला कि 1 में बोला जो भी, एक में भाव के संबंधित है, एक तो आप भाव के संबंधित है। अच्छा चलो मैं ये बताता हूँ आपको, जब गैया पूछ मारती है तो गैया को भी कुछ भाव आ रहे हैं, मतलब गैया की जो एक्शन है उसमें भी, मतलब ये मतलब उसकी जो बॉडी है, आपने जैसा बोला ना कि मैं बॉडी मानने लग गया था, तो उसे भी तो कुछ हो रहा होगा ना जब आप उसको ये कर रहे हैं, जब आप उसका गैया दूध निकाल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो वो इट इज क्या बोलते हैं नेचुरल है ना, तो आपके भाव को बिगड़ना चाहिए कि नहीं, मेरा ये क्वेश्चन है कि भाव बिगड़ने चाहिए कि नहीं, क्योंकि आप में देन देन का भाव मैं देख रहा हूँ। भैया ऐसा मैंने देखा कि काफी मतलब जड़ परमाणु को लेकर ही, अगर अभी 3-4 साल पहले की बात ही करूंगी कि पंखा चल रहा है तो ऐसा लगता था ये पंखा टूट कर गिर ना जाए, कोई गाय आ रही है तो लगता था कि मेरे को मार ना दे, तो ऐसा काफी चला है, इसको काफी मैंने देखा है। तो अभी जो बात इसमें बोली गई है तो उस पर थोड़ा ध्यान गया, एकाएक कह सकते ध्यान ही गया कि उसके अंदर जीने की आशा है और वो जीना चाहती है, तो क्रूरता और अक्रूरता पूर्वक तो वो प्रकट ही होगी मेरे साथ, जैसा मैं समझ रहा हूँ। तो वो उस हिसाब से मक्खी बैठ रही है तो मार रही है, तो उसमें मेरा भाव बिगड़ जा रहा है, वो तो अपने लिए कर रही है जो अभी मैं समझ पा रहा हूँ, तो उसमें मेरा भाव बिगड़ रहा है, तो इसका मतलब ये तो मेरे अंदर गड़बड़ी है। जी बिल्कुल यही मैं चाह रहा था कि ये उसका तो वो नेचुरल एक्सेप्टेंस है कि वो आप उसको ये कुछ कर रहे हो, लेकिन हो सकता है वो पूछ जो हिला रही वो भी दिन मतलब खुशी से, या हो सकता है उसको बॉडी की रिक्वायरमेंट लगी है या कुछ बैठा है उसके बॉडी पे और आपके हिस्से, तो अपना भाव जो है भैया वो बदल। तो भैया आपको शुभकामनाएं, बहुत अच्छा काम कर रही है और मैं चाहूंगा, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि ये स्टूडेंट के सामने रखने लायक है, अभी हम तो रिटायर हो जाएंगे 2-3 साल में, लेकिन ये ऐसे भी स्टूडेंट्स है कि जो पास आउट होते ही तुरंत अपना मतलब प्रकृति के लिए काम करते हैं और अपना देन देन का भाव रखते हैं, ना कि बड़ी बड़ी नौकरी के पीछे दौड़ के अपना। अभी जो सीनियर भैया लोगों ने बताया कि आप बहुत ही सही काम कर रहे हैं, तो भैया ऐसा ही बनाए रखे, और ये सारा UHV का इफेक्ट है ये मैं मानता हूँ, मैं भी UHV पढ़ ही रहा हूँ तो ये सब मुझे समझ रहा है धीरे धीरे। तो जी भैया अखिलेश भैया आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद जी। भैया धन्यवाद भैया जी, नमस्ते सभी को, बहुत ही बढ़िया शेयरिंग अभिषेक भैया जी, भैया नमस्ते। नमस्ते, बिंदुवार ढंग से सारे मुद्दों पे बात की और जिस तरह से आप स्वयं में जांचने का और उसको जी कर देखने का, उसमें व्यवहार वाले भाग को भी और कार्य वाले भाग को भी गंभीरता से और कर रहे हैं, ये काफी आपकी गति में सहायक है। और आपने जैसा शेयर भी किया कि पिछले 4 महीनों में भी आपको अपने आप में काफी परिवर्तन दिखाई दिया है, तो खेती और गोपालन को लेकर जो आप कर रहे हैं वो तो प्रशंसनीय है ही, साथ में ही अभ्यास 1 और 2 के बिंदुओं को भी आप ध्यान दे रहे हैं और वीडियो एडिटिंग का काम करते हुए आप लौट के एक बार फिर से पूरे प्रस्ताव को भी सुन रहे हैं और उसमें अपने जांच परख कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा है। और पिछले दिनों आपसे बात भी हुई थी कि आप अपनी भागीदारी और बढ़ाना चाहते हैं,
मैं कहूंगा इस तरह का जो पूरा अप्रोच है ना, ये तो स्वयं के विकास के लिए बहुत ही सहायक है और एक तरह से अनिवार्य भी है कि हम स्वयं में भी जांच परख को और गहराई में ले जाएं और जीने में भी हम और फैल कर भागीदारी करें, मतलब अपने कार्य पे व्यवहार पे तो ध्यान दें ही, साथ में ही जो व्यवस्था में भागीदारी का भाग है उस पर भी काम करें। तो मेरी तरफ से तो एक आश्वस्ति की बात है इस तरह से आप काम कर रहे हैं, इसमें आगे इसी रूप में आप गति करते रहें और अपने संतुलन को बनाए रखें, मूल्यांकन के संतुलन को बनाए रखें, तो आगे आपके परिमार्जन में काफी सहायक होगा। जी भैया, तो मेरी तरफ से शुभकामना, बधाई आपको। जी भैया, धन्यवाद भैया। कई बार ऐसा हो जाता है कि जैसे हम किसी एक भाग का अधिमूल्यन कर लेते हैं, जैसे हम भागीदारी कर रहे हैं, मान लीजिए कार्य कर रहे हैं, तो हमने कार्य वाले का ही बहुत ज्यादा उस पर इम्फेसिस दे दिया और स्वयं में जांच परख कम कर दिया, स्वयं में जांच परख वाले भाग पे बहुत समय लगाया, विचार में ही चले गए और जीने वाला भाग छूट गया। ये कई बार ऐसी चूक होती है। अगर इन दोनों को ध्यान में रखें, जो हम लोग हर बार कहते हैं, स्वयं में अनुभव की दिशा में काम करना और परस्परता में सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी करने के लिए तत्पर रहना, यही हम सबके लिए विधि है, यही आपके लिए विधि है। तो मेरी तरफ से बधाई, शुभकामना। जी भैया, धन्यवाद भैया। नमस्ते भैया, नमस्ते कुमार भैया, नमस्ते सभी को। भैया ने, कुमार भैया ने बहुत ही सुंदर, मैं तो इसको फार्मूला कहूंगा, या जैसे वेद की ऋचा होती है उसी तरह से ही एक सॉर्ट ऑफ कीवर्ड सिग्निफिकेंट दिया। तो मेरा भैया से अनुरोध है कि मूल्यांकन में संतुलन बहुत ही सुंदर है, इस पर भैया चूंकि अभी समय है तो हम कितना समझ पाए हैं उसका भी मूल्यांकन करना, विचार में क्या चल रहा है उसका भी मूल्यांकन करना, व्यवहार का मूल्यांकन करना, कार्य का मूल्यांकन करना, भागीदारी का मूल्यांकन करना, ये सब एक साथ हमें करने की जरूरत है, इसी को संतुलन कहा है। कई बार क्या होता है कि किसी एक पक्ष पे हमारा ध्यान ज्यादा चला जाता है तो सकता है कि वो कहीं हमारे अभ्यास में उस पर ज्यादा ध्यान जा रहा है और शेष पे ध्यान थोड़ा कम रह जा रहा है, तो हमारे जीने में थोड़ा असंतुलन आता है। अगर इन पांचों भाग पे ठीक से ध्यान दिया जाए तो संतुलन बना रहता है। और कोई जी जी भैया, थोड़ा भैया जो पांच भाग हैं, मेरा सिग्नल थोड़ा चला गया था, तो ये जो पांच भाग का आपने कहा कहीं उसको रिपीट करें। मैं ये समझ पाया कि अमंगस्ट फोर ऑर्डर्स जो है हमें अपना स्वयं को साधते हुए बैलेंस करते हुए फोर ऑर्डर्स में कैसे हमें फोर ऑर्डर्स की बात हो रही है, समझ, विचार, व्यवहार, कार्य और भागीदारी। जी जी, इन पांच भागों की बात हो रही है। जी जी भैया, धन्यवाद भैया, धन्यवाद। समाज में कितनी गति कर पा रहे हैं, हाँ, विचार में कितना समाधानित हो पा रहे हैं, व्यवहार में उभय सुख कितना सुनिश्चित कर पा रहे हैं, कार्य में उभय समृद्धि कितना सुनिश्चित कर पा रहे हैं, और भागीदारी में हम कितना फैल के कर पा रहे हैं, इन पांचों पर ध्यान बनाए रखने की जरूरत है हम में से हर एक साथी के लिए। तो अच्छी बात जो ये है अभिषेक जी भैया, बहुत ठीक से ध्यान दिया है इन पांचों भागों पर। जी भैया ने अभी एक बहुत ही अच्छी बात रजनीश जी ने भी दोहराया है, तो ये बात बहुत ही सार्थक है कि हम एक तरफ ज्यादा बढ़ जाते हैं, जो नेचर पर काम करता है वो नेचर की बात ज्यादा उधर चला बह जाता, पता ही नहीं सब भी होता है। तो मैं इसी बात की और क्लियरिटी चाहता हूँ कि मेरा सेल्फ पर ध्यान बना रहे और मुख्य ये है कि मेरा मानव पर ध्यान बना रहे, मानव मानव संबंधों पर ध्यान बना रहे। तो जो सुविधा और जो संबंध और जो सही समझ, तो जो सही समझ की जो प्राथमिकता है वो केंद्र में बनी रहे, ये बात भैया थोड़ा और स्पष्ट करें तो अच्छा रहे। जी, तो केंद्र में तो सही समझ ही है, केंद्र में तो स्वयं का परिमार्जन ही है कि हम ब्लॉक B1 में एक्टिव हो पाए, केंद्र में तो यही रहेगा, और इसको केंद्र में बनाए रखने के लिए जरूरी है कि इन पांचों भावों पे ठीक से ध्यान दिया जाए। तो क्या होता है कई बार कि अगर हम को कई बार ऐसा लग सकता है केंद्र में ये है, परंतु यदि हम पांचों भावों पे ठीक से ध्यान न दें तो विचार में काम ज्यादा होने लगता है, तो फिर वहां पे पता चला कि विचार तो ने बहुत सारा किया परंतु वो फिर हम कहीं समीक्षा में चले गए या विश्लेषण में ही ज्यादा काम हो गया, तो स्वयं में जांचने का, अपनी सह स्वीकृति के आधार पर देखने का काम थोड़ा बाधित हो गया या कम हो गया, वैसे ही इतना ज्यादा उसमें चले गए कि
हो सकता है कि व्यवस्था में भागीदारी के लिए जो अवसर था उसका सदुपयोग नहीं कर पाए। कई बार ऐसा भी होता है कि हम व्यवस्था में भागीदारी के लिए तो बहुत तत्पर हो जाते हैं, बहुत फैल के हम उसको करने जाते हैं, बट स्वयं में जो जांचने वाला काम है वो थोड़ा धीमा हो जाता है। तो ये एक हम सबके लिए ही है कि हम सब इस विधि से चले। केंद्र में तो सही समझ ही है, केंद्र में तो स्वयं का परिमार्जन ही है, और स्वयं के परिमार्जन के अर्थ में फिर ये सब है। जी बढ़िया। तो मुझे लगता है अगर समय है, आज सारथी जी उपलब्ध नहीं हो पाई है, तो अभिषेक भाई कुछ जो बातें कह रहे थे कि समय की सीमा का नहीं रख पा रहे, उसको भी ऐड कर सकते हैं। जी भैया, घर में और बाहर कार्य करते समय किन किन चीजों पर ऐसा देखूं कि परिमार्जन हुआ है तो इसको रखने का ये प्रयास था, इसी की रखने का रखना चाह रहा था भैया। तो भैया मैं इसमें देखूं कि पहले तो समझाने पर ज्यादातर मेरा परिवार में ऐसा रहता है कि मैं थोड़ा सा विकार में ही फिट हो गया हूँ ऐसा लगता था वो। हाँ, लेकिन फिर ध्यान आपने दिलाया कि वो विचार विचार में ही होता रहता है, लेकिन जब तक कार्य और व्यवहार नहीं किया जाएगा तब तक तो फिर पहले तो शुरुआत मैंने किया कि फैल कर ही परिवार में ही भागीदारी की जाए। तो वहाँ पर मैंने देखा कि मम्मी के ही ऊपर या फिर किसी पर्टिकुलर एक आदमी के ही ऊपर ज़्यादा काम का बर्डन है, जैसा मैं बाहर भी देख पाता हूँ कि संस्थाओं में ऐसा विशेषकर होता है। तो वहाँ से थोड़ा सा ध्यान गया तो वहाँ पर कुछ घर में ही मैंने जिम्मेदारी ले लिया, तो कि ये काम होगा तो मैं ही, मतलब ये जिम्मेदारी मेरी ही है। तो वहाँ पर मैंने देखा कि कम से कम आराम की स्थिति में थोड़ा सा अपने कार्य से ही, व्यवहार में तो था कि व्यवहार में कुछ गड़बड़ ना हो जाए घर वालों के साथ, ये तो मेन था, लेकिन फिर वहाँ पर ज़्यादा दुख भी नहीं हुआ कि मैं ही कर रहा हूँ। तो ये थोड़ा फैल कर घर में ही भागीदारी करना चालू किए ऐसा था। तो यहाँ पर दिखा ये बात थोड़ी सी ध्यान में आया, इसको किए और फिर लगा कि अपने पास तो जैसा विचारों में और अस्पष्टता धीरे धीरे बन रही है, और अपने पास किसी कार्य को बार बार करने पर उसका वहाँ पर थोड़ा बेहोशी में भी करते करते तो वहाँ पर होश पूर्वक करने की एक बात पता चली, तो थोड़ी सी भागीदारी अपने को काम के करने के बाद बाहर भी हुआ, तो वहाँ पर भी परस्परता में भी बाहर मैंने भागीदारी करना चालू किया, तो ऐसा भी कर पा रहा हूँ भैया। और जी एक बात इसमें और जोड़ना चाहूँगा कि ऐसा लग रहा है कि जितना मैं रिजॉल्व होता जाऊँगा तो उतना मैं ठीक ढंग से कार्य और व्यवहार कितने कम समय में कर सकता हूँ, तो वहाँ पे देखने की क्षमता और अपनी धीरे धीरे से बढ़ेगी, ऐसा मैं अभी निष्कर्ष पे पहुँच पाया हूँ। कि भैया इसमें इतना मुझे और जोड़ना था। जी बढ़िया भैया। अभिषेक भैया को बहुत बहुत मैं बधाई देना चाहूंगी कि इस तरह का काम कर रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो हमारी युवा पीढ़ी जो है मतलब अन्य कार्यों को प्राथमिकता न देकर कर करके अब खेती की तरफ रुझान बढ़ रही है, तो ये देख कर करके बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई, शेयरिंग आपकी बहुत अच्छी थी। या एक चीज इसमें और जोड़ना था जो प्रकृति को थोड़ा देखने का, क्योंकि इस पर ज्यादा लुभावना मेरे लिए बचपन से ही रहा, तो इसमें एक बात और ध्यान में आया कि ध्यान गया कि जैसे बाहर मैं काम ही कर रहा था, तो इस बार हुआ ऐसा कि बारिश के कारण जो है फसल और बारिश हुआ और हवा भी बह गई, तो उस पर धान की जो जड़ थी, गेहूं की जड़ थी, तो वो थोड़ा हिल गई, तो जिसके कारण गेहूं का उत्पादन इस पूरे इलाके में थोड़ा कम हुआ। तो ये जब हुआ तो इसको फिर विचार पूर्वक ही या फिर विश्लेषण करके ही इस निष्कर्ष पे पहुंचना हुआ कि एक तो मैं बाहर कितना भी श्रम करूं, जब तक उसको फैल कर नहीं करता हूं या फिर मानव के साथ भी संबंध ठीक नहीं होता है मेरा, और हर मानव का प्रकृति के साथ नहीं होता, तो वो
जो मैं आशा लगाए बैठा हूँ कि मैं एक भाग से बहुत ज्यादा प्राप्त कर लूंगा या फिर मैं कुछ करके दिखा दूंगा, तो वो पूर्ति होने वाला नहीं है। तो एक बात इसमें फिर ध्यान में गया कि यहाँ से इस कार्य को करते हुए कि ये समझ तो हम ही ने गड़बड़ की है और मैंने ही गड़बड़ समझा है, या फिर मैं छोटे ही दायरे में कर रहा हूँ कि बेमौसम बारिश का हो जाना और बाकी चीजें, तो ये ठीक कैसे हूँ? तो जब तक मैं ठीक खुद नहीं होऊंगा, और उसको ठीक क्या है उसको मैं नहीं जानता, तो मान लीजिए मैं बताने भी गया कि ऐसे ऐसे करना है, तो वो पूरा मैं उल्टा सीधा ही करूँगा, क्योंकि जो भैया भी याद भी दिलाए कि एक जगह ज्यादा फोकस होकर कर लेते हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि मैं केंद्र नृत्य तो लगता है ऐसा कि प्रकृति पे ज्यादा हो गया हूँ, लेकिन प्रयास रहता है कि अपने आप पर थोड़ा ध्यान ज्यादा तक बना रहे, और परस्परता में भी जब व्यवहार करूँ तो अपना अपने एंड से कोई भाव या विचार अपना गड़बड़ ना हो, तो इस पर थोड़ा सा और थोड़ी और स्पष्टता बनी। तो ऐसा है कि ये कार्य करते समय कई बार हो रहा था, लेकिन इस बार तो गया उस पर ध्यान। जी भैया, इसमें एक बात और ये ऐड करना था। अभिषेक भैया से इतना पूछना चाह रहा था, बताना चाहते कि वो कितने एकड़ में कर रहे हैं ये, और परिवार की आजीविका का और क्या साधन है, खेती है या कुछ? जी भैया, 6 एकड़ में कर रहा हूँ, और मैंने तो शुरुआत में पिछले 1 साल से कि स्कूल में पढ़ाता हूँ, तो 1.5 साल से लगभग, तो आजीविका का साधन वहाँ से है, और बाकी तो जो उत्पादन भी हो रहा है तो उसको अपने संबंधियों में देने का प्रयास करता हूँ, तो यहाँ से कुछ जो दैनिक वस्तुओं की आवश्यकता होती है तो पूरी हो जाती है, लगभग लगभग पूरे महीने तो नहीं कह सकते, खाने पीने की चीज़ें तो किसी के पास कुछ और है तो वहाँ से पूरी हो जाती है, बाकी तो कुछ चीज़ें बाहर से लेनी पड़ती हैं, तो वहाँ से परिवार का हो रहा है। भैया जी, भैया तो जैसे 6 एकड़ तो काफी बड़ा खेत हो गया, तो उसके लिए जैसे जो साथी सहयोगियों की जरूरत पड़ती है वो कैसे मैनेज होता है? भैया परिवार के साथ हैं या कैसे करते हो? साथी अभी तो मैं कर रहा हूँ, और साथी सहयोगी की जरूरत होती है, तो अभी क्या है कि उनको संबंध मतलब एक तरीके से मेरे एंड से गड़बड़ी ना हो ऐसा प्रयास रहता है, तो जितनी रहता है तो उसको देने का भी प्रयास करता हूँ। ये अभी तो अभी भैया ऐसा कर रहा हूँ। ये कहें कि अभी मैं प्रॉफिट में हूँ, या फिर कह सकते हैं कि जो उत्पादन मैं कर रहा हूँ इससे बहुत ज़्यादा समृद्ध हो सके, तो अभी तो ऐसा नहीं हो पाया है, क्योंकि अभी मैं कर ही रहा हूँ, तो उतार चढ़ाव भैया ऐसा बना हुआ है इसमें। जी भैया, वो मैं इसलिए पूछ रहा था कि जो एक प्रवृत्ति है कम देकर ज्यादा लेने की, तो वो चलो हमारी तो नहीं है, ये UHV से ठीक हो गई, लेकिन दूसरे की तो ये चलती है ना, तो जैसे हम किसी लेबर को लगा रहे हैं तो वो तो पैसे भी लेती है और काम भी वो अपने हिसाब से करके है, तो वो मैनेज करना बड़ा मुश्किल सा हो रहा है। मैं भी थोड़ा प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे सलाह ले रहा था। जी भैया जी।